जिंदगी में सुकून चाहिए तो वाइफ इज ऑलवेज राइट। यस कंपनी में सही चलेगी सही जी। पता नहीं छोटा जो लग रहा है बहुत बेफिक्र हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हमारा पूरा दिन, लिटरली आप लोग यकीन करेंगे पूरा दिन हम लोग अपने घर में जा रहे हैं, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। खैर आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट करें क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब विंटर्स आर कमिंग, तो बहुत जल्दी रात हो जाती है और 5 बजे जो है ना अंधेरा हो जाता है फुल। वैसे सुबह से करना चाहिए आवाज़, लेकिन हम लोग जो है रात को ही करते हैं क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी है आइस की वजह से, सो इसलिए लेट ही हमारे व्लॉग स्टार्ट होते हैं। यहाँ मैं आलू फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर हमारे चावल रेडी हैं। यहाँ मैंने बनाई है जी ये दाल और अब्दुल्ला ऊपर है, उनका कुछ काम है, वो काम कर रहे हैं ऊपर क्योंकि नीचे डिस्टरबेंस होती है इसकी, आप देख लें होती तो नीचे इसकी डिस्टरबेंस होती है, तो अब्दुल्ला प्रेफर करते हैं कि वो ऊपर ही काम करे तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते ऊपर जाके। तो वो बस सारा दिन जो है ना ये मस्तियां करता है, सारा घर फैला के रखता है, क्या करें। ये देखिए आपके सामने एक और कारनामा अंजाम दे दिया इसने, सारी गोटियाँ इसने बाहर फिर फैला दी हैं। अब ये एक एक करके खुद रखेगा इसने। ये जी आ गया है खाना और मैं आइस को भी थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा करके खिला रही हूँ। मैं नहाने गया था और वापस आ गया हूँ और तब तक यहाँ पे खाना शाना सीन हो गया। हाँ खा लिया तुमने? मैंने कहा तुम्हें घंटा लग जाना था आने के लिए, इसलिए मैं भूख से मर रही थी तो मैंने खा लिया खाना। भाई चलो फिर मेरा खाना खाए, मेरा भी ले आओ, बहुत भूख लगी है सख्त वाली। लच्छी क्या है? दाल चावल। Nice. What are you doing, baby? चलो ऊपर ऊपर आओ। यहाँ पे जी पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, ऑल्दो ये लोग सेमीफाइनल से तो निकल गए हैं लेकिन ये लास्ट मैच भी जो है ना बहुत बुरा हार रहे हैं। खैर अब क्या कर सकते हैं, हम खाते हैं अपना खाना। Let's eat this yummy food. लग गया बेचारे को। तो मैंने आप लोग को बोला था कि कहते हैं आज हम बाहर नहीं निकले, लेकिन फाइनली आप हमें देख रहे हैं कि हम बाहर आ चुके हैं फिर से यार, क्योंकि सीन ये है कि हम बहुत बोर होते हैं घर में और कुछ करने को नहीं होता, तो इसीलिए फिर होता है कि हम थोड़ी सी ना बाहर निकले। अभी हम ऐसे ही फालूदा वगैरह खाने के लिए निकले, मतलब कोई कुल्फी मिल जाती है, फालूदा मिल जाता है और मुझे कोई खा लेंगे। अभी हम लोग बाहर देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ना सर फुल सर्दियों वाला जो है ना सीन ऑन है, सूप वगैरह लोगों ने लगाए हुए हैं, वो जो नहीं यखनी सूप होता है अंडे वाला, और अच्छा लग रहा है बहुत देख के। और आज वीकेंड भी है तो बाहर रश भी है, 11 बजे 10:30 हो रहे हैं, मूंगफलियाँ भी स्टार्ट हो गई भाई। लेकिन अभी इस टाइम कच्ची होंगी मूंगफलियाँ ना, कच्ची हाँ क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, गला खराब हो जाएगा। और अभी हम दोनों के दरमियान एक बात फंसी हुई है कि मैं चाह रहा हूँ कि कहीं करीब करीब से कुछ खा लें ले लें, और ये चाह रही है कि हम जाए कसूरी फालूदा। यार वो इचरा साइड पे है और ना हम बहुत पीछे रहते हैं, तो वो इचरा साइड थोड़ी दूर हो जाएगी, यहाँ से घंटा दूर है तो, लेकिन मेरा जल्दी अब पहुँच जाएंगे। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि हमने खाया नहीं कसूरी फालूदा, सो मेरा दिल कर रहा था। चलो आज दिल को मार लो, कोई नहीं फिर कभी खा लेंगे। पक्का? नो नो भाई अब क्या करें, जो जो शादीशुदा लोग हैं उनको पता है कि इसका मतलब कहना क्या डिसाइड होगा, उनको पहले से ही पता है। वाइफ इज ऑलवेज राइट। जिंदगी में सुकून चाहिए तो वाइफ इज ऑलवेज राइट। यस एक बहुत बुरा सीन हो गया यहाँ पे, हम लोग निकले थे कुल्फी खाने लेकिन हमारे जो गाड़ी का जो टायर है वो पंक्चर हुआ हुआ है कब से पता नहीं, हमें पता भी नहीं चला क्योंकि अभी अभी आवाज़ आई है हमें, और वो इस तरह से जैसे बबलिंग नहीं हो रही होती है वैसे हो रही है, और अजीब सी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल खाली हुआ हुआ है। अभी अब्दुल्ला ने उतर के देखा टायर तो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, तो अभी देखते हैं चलते हैं किसी पेट्रोल पम्प पर और देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि प्रोग्राम तो हमें मुझे कैंसिल होता नज़र आ रहा है कुल्फी का। भाई हम आ तो गए टायर शॉप पे लेकिन यहाँ पे ना सही रश लगा हुआ है, और 3 गाड़ियाँ थी, अभी हमें 10 मिनट ऑलरेडी हो गए, अब देखें भाई कितनी देर में करते हैं। लड़के जल्दी जल्दी कर लो ज़रा। बैड सीन हो गया वो ये कि ना टायर जो है वो ख़राब हो गया और अभी फ़िलहाल मैं इसकी स्टपनी लगवा रहा हूँ, फिर देखते हैं ये स्टपनी में सही चलेगी सही जी। पता नहीं छोटा जो लग रहा है बहुत
बेफिक्र हो जाए। कल तक चल जाएगा कल तक चल जाएगा। A few moments later. जी हम आ गए हैं इछरा में अपना, माशाल्लाह कौन सा है ये, नफीस कसूरी फालूदा। यहाँ से हम फालूदा खाते हैं, बट ये फालूदा आज हमें बहुत महंगा पड़ गया क्योंकि इस फालूदा पे आते आते हमारा टायर खराब हो गया गाड़ी का। और सामने अंकल ऐसे देख रहे हैं कि उनको बोलना चाहिए कि आके अंदर ही बैठ जाए हमारे साथ गाड़ी में ऐसे देख रहे हैं। वो देख रहा है कि यार कोई बहुत बड़ा व्लॉगर हमारे जो है ना फालूदा की वीडियोस बना। हां जी, फालूदा की कीमत है 310 रुपए और टायर की कीमत है 10,000 रुपए। तो 10,310 का फालूदा खाने जा रही है आज, आप इंजॉय करें। थैंक यू जी। आ गया है हमारा कुल्फी वाला फालूदा, उसके साथ है बर्फ। तो अभी आप खा के बताएं कैसा है। खाया ही हुआ है पहले से पर लेकिन टेस्ट काफी दिन बाद किया ना दोबारा से। हाँ काफी दिन बाद आए हम। टेल मी वन थिंग के कुल्फी के ऊपर चरगा कौन खाता है, फालूदा के ऊपर। अभी अभी हमने फालूदा खाया है और ये सामने भाई जो है ना चरगा रख के बैठे हुए थे, तो इसने बोला वो भी मंगवा लो। लग तो अच्छा रहा है, चलो खा के देखते हैं। घर तो वापस आ गए हैं हम, लेकिन यहाँ एक सीन हो गया है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। वो सीन ये हुआ है कि ये देखें, ये जो है ना मेरी चप्पल का एक ये वो पता नहीं कहाँ चला गया, या तो गाड़ी में गिर गया। गाड़ी में ही गिरा होगा क्योंकि मैं नीचे तो उतरी नहीं हूँ। तो मैं जैसे ही आई हूँ, एंटर हुई हूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया। इस चप्पल को बनवाते हैं और इस पर ये समर बोन लगाते हैं खुद ही और इसको चिपकाते हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत दुख होता है जब मेरी कोई अच्छी चप्पल टूट जाए तो मैं उसको खुद से ना कुछ जोड़ने ओढ़ने की कोशिश करती हूँ आखिरी हद तक, जब तक वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाती। तो इस पर भी कोशिश करते हैं, तो लेके आते गाड़ी से इसका बो और लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए जी आइए 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 चले जी, देखते हैं कहाँ पर गिरा है यार वो। ये गिरा हुआ है ना, ये टूट गया था। चलें यार इसको लगाते हैं इधर। चलें जी इसको तो लगा दिया समर बॉन से मैंने, और अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखते हैं ताकि ये सूख जाए। मुझे अभी तक वही चरगा याद आ रहा है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले खाया था। यार क्या तो चरगा था वो, बेस्ट, बहुत अच्छा और बहुत मज़े का चरगा था। मतलब हमें ना, हम मैं अब्दुल्ला से ये डिस्कस कर रही थी कि हमें ये स्ट्रीट फूड जो है ना ट्राई करते रहना चाहिए। हम बस एक ही जो हमें पता है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें, बस वही खाते रहते हैं हम। आज काफ़ी अरसे बाद हमने इस तरह से कोई न्यू चीज़ ट्राई की और वाकई वो बहुत अच्छी थी। अब्दुल्ला आपको कैसी लगी? क्या वो चरगा अच्छा था? बहुत अच्छा है ना। तब आइस भी सो रहा था तो हमने सुकून से खा लिया उस टाइम, वरना आइस बहुत तंग करता है और हमें खाने नहीं देता कुछ भी। और एक और चीज़ कि मेरे ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं सुबह, और वो जो है ना हमारे घर में सीन ये है कि हमने ऑलमोस्ट अपना सारा फर्नीचर सेल आउट कर दिया, उसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे। तो उसकी वजह से जो है ना हमें ये नीचे जो है ना ये मैट्रेस पड़े ये निकालना पड़ेगा, वहाँ उनको सोने के लिए वो मैट्रेस लगा के देना पड़ेगा। कंबल यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है और कपड़े वपड़े बिखरे पड़े हैं, इसको सेट करना है वहाँ पे। ये देखें घर की हालत हुई भी है और ये सारा सब कुछ सेट करना है यहाँ से। तो बस सोते हैं, गुड नाइट करती हूँ मैं आपको, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।